Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरी YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी रंगोली बहुत ही खास है क्योंकि ये एक मोटिवेशनल रंगोली है। जी हाँ, ओकेजन्स पे तो हर ओकेजन्स पे तो हम रंगोली बनाते ही हैं, बट कुछ रंगोली ऐसी होती है जो कि समाज के लिए होती है, देश के लिए होती है। और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के एरिया को साफ रखें। अपने घर को ही नहीं, अपने समाज को भी साफ़ सुथरा रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और इस चीज़ को पूरा करना भी ज़रूरी है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर ही अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। सिर्फ हमें अपना घर साफ रखने से ही स्वच्छता नहीं हो जाएगी, जब तक कि हम अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के प्रति अवेयर ना करें कि स्वच्छता कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर आ रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान, जो कि स्वच्छता अभियान के नाम से भी जाना जाता है, इसका आगाज़ किया था। और मैं खुद भी नमामि गंगे टीम से जुड़ी हुई हूँ, जिसका ध्येय ही, जिसका उद्देश्य ही है कि अपने आसपास के एरिया को साफ रखना। सिर्फ साफ ही नहीं रखना बल्कि लोगों को उस चीज़ के प्रति जागरूक करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ सफाई को लेकर ही वो लोग अपना कार्य करते हैं और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। तो मैंने ये रंगोली स्पेशली उन सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया है जो लोग कि अपने आसपास के एरिया को साफ रखते हैं, जो रखना चाहते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि उस चीज़ को, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं बट लेकिन उसके सपोर्ट में अच्छे लोग आते नहीं हैं और उस चीज़ को गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि एक मोटिवेशनल या पोस्टर रंगोली भी आप इसको कह सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया है स्वच्छ भारत अभियान करके, लेटर्स तो लिखे ही हैं, साथ ही साथ मैंने एक बहुत ही अच्छा सा साइन भी बनाया है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग है और एक दूसरा ह्यूमन भी है जो कि मैं अभी बनाऊंगी। एक ह्यूमन को मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का बनाया है, जो कि मैंने प्रॉपरली अपने नेशंस को, अपने राष्ट्र को प्रेजेंट किया है, अपने देश को प्रेजेंट किया है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। मैं ब्लैक कलर से भी बना सकती थी बट मुझे यहाँ पे अपने इंडिया को, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, अपने देशवासियों को ये रंगोली समर्पित करते हैं ताकि वो लोग भी इस चीज़ से कुछ सीखें और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों कि स्वच्छता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अपने घरों में ही नहीं, अपने आसपास के एरियाओं में जो कि हमारे धरोहर है, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी हैं, तो हमारे यहाँ गंगा जी की भी स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग ऐसे ही उसमें साबुन का इस्तेमाल करते रहेंगे, पॉलीथीन्स फेंकते रहेंगे या फिर बॉटल्स फेंकते रहेंगे तो फिर उनकी स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जाएगा। तो हम नमामि गंगे टीम से जुड़े हुए हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो वो लोग भी यही सब चीज़ों का प्रयास करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं, कैंप लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से ज्ञान लें, समझें इस चीज़ को कि क्यों ज़रूरी है, हम सभी के जीवन में स्वच्छता का महत्व कितना ज़्यादा है। ये चीज़ बताने के लिए बहुत सारे प्रयास करे जा रहे हैं, सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार के ही करने से नहीं, हम सभी को प्रयास करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 ह्यूमन बींग्स बना लिए हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और डस्टबिन का यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है कि कूड़े को सिर्फ कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और अगर हम इधर उधर फेंकेंगे तो उससे गंदगी फैलेगी। और अभी आप यहाँ देख रहे हो, मैंने ऊपर स्वच्छ और भारत लिखा है और उसके नीचे अभियान को मैंने, भारत का जो ए है और नीचे जो अभियान है वो दोनों को मैंने एक साथ ही मर्ज करके लिखा है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो समझ जाओगे। उसके पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था, मैंने हम ये रंगोली मोटिवेशनल बना रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहे हैं, तो बिना श्लोक के, बिना कोई
कथन के ये चीज़ कैसे कंप्लीट होगा अगर हम उसमें कोई वाक्य नहीं लिखते हैं या कोई मोटिवेशनल सी चीज़ें नहीं लिखते हैं, कोई लाइंस नहीं लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, वो क्या लिखा है आपको वीडियोस में पता चलेगा और आप लोग देखिएगा कि कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा लाइन को और हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डार्क कलर का यूज़ किया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है, क्योंकि ऊपर का जो प्रॉपर चीज़ें हैं मैंने उसको नेचुरल कलर से यूज़ किया है, मतलब कि मैंने आकाश का जो कलर होता है, जो हमारा बादल होता है या ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ करके बनाया है, क्योंकि हम नेचर से भी रिलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आओ, उसके बाद हम लिखेंगे अपना जो भी पूरा वर्ड्स है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मुझे पूरा श्लोक पता है बट मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसको देखो और समझो और ये भी देखिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, मैं किस तरीके से रंगोली बनाती हूँ, तो आप लोग देखते ही हो। और इसके पहले भी मैंने एक और स्वच्छता के ऊपर रंगोली बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आओ बनाए भारत महान, उसके नीचे लिखेंगे स्वच्छता चलाकर स्वच्छता का अभियान। तो ये एक श्लोक था और एक ये कथन था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा था। इसके बाद भी मैं और भी ज़्यादा स्वच्छता के लिए जितना मुझसे हो सकता है लोगों को अवेयर करने का मैं वो काम करती रहूँगी, और रंगोली के माध्यम से अगर कुछ हो सका तो ज़रूर मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ के इस चीज़ को किया जाए, क्योंकि स्वच्छता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो हम सभी बीमार ही पड़ते रहेंगे और उस सब चीज़ का असर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे लाइफस्टाइल पे पड़ता है, सिर्फ हमारे ही लाइफस्टाइल पे नहीं हमारे समाज पे भी पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहोगे कि मैंने छोटे छोटे से डॉट्स का यूज़ किया है। आज मैंने यहाँ पे कुछ अलग तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ किया है जो कि लास्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डबल लाइन डॉट्स दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल सा चेन ही ऐड किया है, वन साइडेड दोनों साइड में मैंने यहाँ पे चेन ही ऐड किया है। बट जो हमारा नीचे का पोर्शन है जिसमें मैंने स्लोप लिखा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का या फिर कह सकते हैं कि पत्तियों का सीक्वेंस तैयार किया है। जी हाँ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही बारीक बारीक सा है, बहुत मोटा मोटा नहीं बनाया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं थे मेरे पास, कलर्स की तो बात है ही और साथ ही मुझे बहुत बारीक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मोटी मोटी चीज़ें काफ़ी बनाने से अवेयर, मतलब हम थोड़ा बचते हैं उन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से डॉट से बनाया था। बस इतना ही था आज की हमारी रंगोली डिज़ाइन, उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप भी इस तरीके के और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको ये कैसा लगा या मेरे और भी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और भी अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो मुझसे शेयर करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। तो बस इतना ही था, फाइनली हमारी रंगोली डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है और आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत, और हाँ स्वच्छता ही सबसे बड़ी।